जयपुर में नेशनल हैंडलूम के सामने सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर जयपुर में पतंजलि योगपीठ के वरिष्ठ वेदों द्वारा विशाल निशुल्क जांच एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर, कोलेस्ट्रॉल रोगों की निःशुल्क जाँच की गई। हमारे संवाददाता नवीन पारिक ने भी शिविर में बकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर 62 पर निःशुल्क जाँच करवाई और आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक से चिकित्सा परामर्श भी लिया। जैसा कि कार्यक्रम के मुख्य कर्ता और पतंजलि योगपीठ के स्टोर के संचालक सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया, इस विशाल आयुर्वेद निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का उद्देश्य लोगों में आयुर्वेद और योग के प्रति जागरूक करना और रसायन रहित चिकित्सा प्रदान करना है। शिविर में 78 निशुल्क चिकित्सा परामर्श के रजिस्ट्रेशन हुए और स्टेट निःशुल्क रोगों की जाँच की गई। एक मुख्य सूचना, इस शिविर में हुई जांचों की रिपोर्ट रोगी सिटी प्लाजा बनिक पार्क शॉप नंबर 22 और 23 से प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब, आपका परिचय और आप क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रोग्राम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है। आज हमने ये मेडिकल शिविर रखा है 14 मार्च का। किसकी तरफ से है ये शिविर? ये पतंजलि चिकित्सालय स्टोर विद्याधर नगर की तरफ से है, जिसमें हमने कुछ जांचें निःशुल्क रखी हैं, योग और आयुर्वेद का निःशुल्क परामर्श दिया है। और इसमें हमने शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल और लीवर के फ्री चेक किए हैं। इनकी रिपोर्ट कल सुबह मॉर्निंग में हमारे सेंटर पे आ जाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि लोग बाग योग करें और रोज़ करें। ठीक, थैंक यू। स्वदेशी को अपनाएं। थैंक यू जी। आपका परिचय? मैं सविता डाटा। अच्छा, आपके जो आप यहाँ हैं, किस लिए आए? मेरे घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है। तो आज आप कहाँ पर हो, कहाँ दिखाने आए हो? पतंजलि का शिविर में दिखाने आए हैं। अच्छा, और इससे पहले भी आप शिविर में पतंजलि के आए हुए हैं, पहली बार आए शिविर में? आए पहले भी। अच्छा, और यहाँ आने के लिए आपको किसने बताया? पेपर में भी देखा था, फोन पे पता लगा। आपने डॉक्टर साहब को दिखा के कैसा फील हो रहा है कि भाई आपके और रोग के बारे में बताया तो जानकारी दी? अभी तो लगा तो ठीक है। अच्छा, तो दवाई आप लेंगे निरंतर या कड़वी लगेगी, कोई चूर्ण वगैरह तो छोड़ दोगे? नहीं नहीं लेंगे, दर्द। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरीश शर्मा, अभी यहाँ पतंजलि टूलिप पेन क्लिनिक विद्याधर नगर में पतंजलि का स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ जो शिविर लगाया है, यहाँ आकर के और एक सेवाएं आप अपने सेंटर पे देते हैं, कैसा फील होता है शिविर में सेवा देकर? देखिए, हम तो वैसे तो कई सालों से परम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी के आशीर्वाद से सेंटर पर सेवाएँ दे रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे कई बार लोगों को पता नहीं होता, लिमिटेड लोग आते हैं। अब शिविर लगा रहे हैं यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को क्या है कि पता चला है, मैक्सिमम लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत से लोग आए हैं जिनको नहीं पता होता है। स्वामी जी आचार्य जी के जो रेगुलर टीवी देखते रहते हैं उनको भी पता होता है, लेकिन यहाँ पर शिविर में बहुत से लोग आए हैं जिनको जो नॉर्मली सेंटर कई बार लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आने से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम जुड़ पाएँ, वही हमारी कोशिश रहती है, आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा फैला पाएँ, लोगों को जो है एक जो अपनी सबसे सेफ रहती है आयुर्वेद, उसके बारे में जानकारी दे पाए। एक आज के समय की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि स्वास्थ्य है, पहला सुख निरोगी काया बोला जाता है। और ये अंतिम सवाल मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ कि हर तरह की, हर दृष्टि से, हर उम्र वर्ग के लोग आज के इस वर्तमान समय में भविष्य को देखते हुए कैसे स्वस्थ रहें, थोड़ा इसमें आप बताएं। देखिए, आज क्या है कि कई तरह की बीमारियां हैं जिनका कहीं पे कई बार इलाज नहीं मिल पाता, तो अगर हम आयुर्वेद और योग इन दो चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे, या परम श्रद्धेय स्वामी जी हैं वो भी लगातार यही कहते हैं लोगों से कि आप आयुर्वेद और योग इन दो चीज़ों को अपनाइए, इन दो चीज़ों को अपनाएंगे अपन सारी तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वो ये कि इनको अपन रेगुलर योग निरंतर करना होगा, और आयुर्वेद है उस पर अपने को विश्वास रख के और प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वैद्य से चिकित्सा लेके वो निरंतर अपने को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी, आपने अपने श्रेष्ठ विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप जो सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं, एक तो नेक पुण्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत उत्तर आपकी प्रगति की कामना करते हुए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका परिचय? और ये आप कहाँ हैं और क्या कहना चाहते हैं आप?
हम यहाँ विद्यानगर में पतंजलि चिकित्सालय है, वहाँ पे आज शिविर लगाया गया है, उसमें अपनी सेवाएं देने के लिए आई हूँ। अच्छा, इस शिविर के बारे में क्या कहना चाहते हैं और एक सेवाएं आप अपने सेंटर्स पे देते हैं? हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा विचार दें। तो हम अपने सेंटर पे तो बहुत टाइम से जो देते आ रहे हैं वो ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहा है, बट एक शिविर लगा के जो देते हैं, जैसे कि शिविर में हम बाहर लगाते हैं कैंप अच्छे से, तो उसमें नॉर्मल जो पेशेंट आते हैं वो सेंटर पे देते हैं हम, उसमें तो नॉर्मल जो रेगुलर हमारे पेशेंट आते हैं वो जुड़ते हैं, और शिविर में ऐसा होता है कि कैंप के थ्रू से रास्ते में चलते हुए जो भी दिखते हैं ना आसपास, पेशेंट की संख्या बढ़ती है इससे, एक दूसरे के प्रति मतलब स्वामी जी के जो है ना ये योग और आयुर्वेद इसके प्रति विश्वास बढ़ता है लोगों का। शिविर में देने का मुख्य उद्देश्य क्यों बना परंपरा आपके? हम सेंटर्स में जो आते हैं दिखाने पेशेंट वो तो वहाँ भी आ रहे हैं ना, शिविर की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि जैसे हमने कुछ जांचें फ्री की निःशुल्क में की हैं, जैसे कि शुगर शुगर की रही, बीपी की रही और कोलेस्ट्रॉल और एसिडिटी लेवल वाली, ये हमने निःशुल्क किए, इसलिए जैसे कि लोगों को ये पता चले कि कुछ फ्री मिल रहा है तो सोच के आते हैं कि अपन को ये निःशुल्क मिल रहा है, तो पेशेंट आते हैं तुरंत दिखाने के लिए, फिर वो एक दूसरे से दूसरे को पकड़ के लाते हैं, तो वो ऐसी संख्या बढ़ती जाती है, फिर ऐसी ही जागरूकता। आप कितने समय से आयुर्वेद की सेवाएँ दे रहे हैं? देखो 4-5 साल से हो गया। लोग एलोपैथी में बहुत जाना पसंद करते हो, आपने आयुर्वेद में आना पसंद किया, ये निर्णय पे आप कैसे आए? ये एक्चुअली क्या, मेरे को शुरू से ही आयुर्वेद में ही था इंटरेस्ट, और मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में भी सारे मतलब आयुर्वेद में हैं, पूरी मेडिकल लाइन में है, तो मेरे को शुरू से ही ये था कि मैं भी आयुर्वेद फील्ड को अपनाऊँ, क्योंकि इसके बिना किसी साइड इफेक्ट के सारी जो होती है इसकी पैथी होती है बहुत अच्छी है, योग और इसके जो हमें ना तो शरीर को निरोगी रख पाते हैं आराम से। एक होता है पुरुष प्रधान पुरुष पेशेंट, एक होती है महिला पेशेंट, आप महिलाओं को प्रेजेंट कर रही हैं, तो महिला रोगी स्वस्थ रहे उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? महिला रोगी स्वस्थ रहे इसके लिए हम ये कहेंगे कि वो आयुर्वेद को मतलब मेडिसिन को अपनाएं और योग कीजिए बराबर से, और ना जो भी खाने खान पान का जो है ना कि पत्ते हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो रेगुलर अपनाइए, जो महिला जो है वो निरोगी रहेगी, यही हम कहना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में रहती है परेशानी कि किसी की इनफर्टिलिटी रहती है, उसकी प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो इसके थ्रू आयुर्वेद में बहुत अच्छा है इसका, इसको तो आयुर्वेद के लेके जैसे किसी के साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आयुर्वेद की स्पेशलिटी को अपनाएं, जितना से ज़्यादा हम जुड़ सकते हैं उससे ज़्यादा हम जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना आपके कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उत्तर तरह से प्रगति आप करते रहें, लोगों को स्वस्थ और आयुर्वेद की प्रेरणा देते रहें।